मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं उठ के नहा धो के कपड़े चेंज कर कर एकदम आ गई थी गुड गर्ल बनकर। तो अब ज़्यादा सुंदर मुंदर बन जाते हैं ये टी शर्ट मैं पहन के जाने वाली हूँ आज जहाँ मैं जा रही हूँ। तो चलिए पहले उतर रेडी, उसके लिए पहले बांधने पड़ेंगे बाल और फिर रेडी होकर सुंदर सुंदर बन के मैं गुड गर्ल बनकर एकदम तैयार हूँ। तो ये बैग और ये रबर की चप्पल पहनना इज मस्ट। Welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Litasha Sharma and I am vlogging today because you all know that I just started loving doing it. So आज की ट्रिप है अंडर 500 रुपीज और जम्मू वालों रेडी हो जाओ, 500 रुपए के अंदर आपको ट्रिप लगवानी है भाई। गर्ल्स ट्रिप लगाओ, बॉयज ट्रिप लगाओ, ग्रुप ट्रिप लगाओ, सोलो ट्रिप लगाओ, जैसे आपका दिल करे। तो चलिए चलते हैं, I'm ready, let's go. स्कूटी पर बैठ के मैं जीवन पहुंच गई थी और यहाँ से मुझे जाना था केसी डो, जैसा मुझे अपडेट आया था क्योंकि बस वहाँ से मिलने वाली थी। तो हमने प्लान करा था कि हम इलेक्ट्रिक स्मार्ट बस में जाएंगे जो अभी बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती हैं और ऐप पे उनका अपडेट वगैरह आता जाता है। तो ये उधमपुर टू टिकरी वाली कोई बस थी, हमको इस पे जाना था। हमने पूछा कि जजर कोटली से होके जाएगी, तो ही सेड यस वो जाएगी। तो हम लोग उस पर जाके बैठ गए। तो जिस बस में हम बैठे स्मार्ट बस में चढ़ गई है चारपाई, पता नहीं क्यों तो जो लड़की सामान लेने गई थी वो आ गई है। तो गैस करिए इसका नाम क्या होगा लड़की का। डुप्लीकेट माजा ही है। हाँ डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट ही है ये भाई, डुप्लीकेट नहीं है, छोटी आई हुई है, मैंने पीती हूँ, यही पीती हूँ। कभी तक फूड पॉइजनिंग हुई थी। आई एम व्लॉगिंग यू जो भी कैमरे के पीछे। हाय, अभी खा लो। कोई बंदा मर ले, करेले कोई आप क्या लाए हो? सरप्राइज है, मैगी है, भिंडी, भिंडी कुछ रुक, करेले भी ज्यादा नहीं, भिंडी चलो लाई तो है ना। हां तो बस नेचुरल सारे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो निकले हम लोग, जल्दी थे तो भूख लग गई, तो हमने गाड़ी में ही खाना शुरू कर दिया जो हम उधर जाके खाने वाले थे। मेरे साथ ऐसी एक बोतल पानी मिली जरूर दो जिसमें बर्फ हो, खोलने पे पानी नीचे गिरे, और ऐसा बंदा भी जरूर दो जो टाइट करे। तो बोतल खोलते हुए पानी नीचे गिर गया, करंट तो नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक ने पूरा पैकेट छोड़ दिया, कितना बड़ा दिल रखा उसने देखो। तो देखो फिर हमने टिकट वगैरह कटवाई और हम लोग पहुंच गए सीधे बस चली गई गाइस। बस यही शॉप है, किधर उतारा हमें, तो जो सामने दुकान थी हमने सोचा उनसे पूछते हैं। थैंक यू, बस हमें बता दिया गया कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे आपको बस वगैरह उतारेगी। नाउ यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर, यहाँ पे एक सिंगल रोड है, उधर से नीचे की तरफ जाना। तो बता दी मैं आपको, क्या कर रहे हो भाई, वही ना समझ नहीं आ रहा, ये तो टक्की है, ये तो है। मुझे नहीं लगता ये रास्ता, जानवर पाया गया था पता नहीं यहाँ पे हमें जानवर मिलता है क्या होता। शायद हम गलत रास्ता तो नहीं बता रहे, मैं आते हुए दूसरा रास्ता दिखाऊंगी, अभी मुझे यही रास्ता बताया गया तो यहीं से जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ना गूगल मैप अब लगाया है, अभी हमें 2 मिनट हुए चलते हुए, तो ये रास्ता है, वो रास्ता आ गया आगे, और यहाँ पे मैप आप गूगल मैप कर लें आपको दिख जाएगा सब। टू टेक राइट एंड देन अगेन राइट, और ये बहुत अच्छी जगह है, आपको ट्रैकिंग का भी थोड़ा माहौल मिल रहा है यहाँ। तो हमें चलते कोई 5 मिनट हो गए थे और यहाँ आके हमें लगा कि यार हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं यहाँ पर आकर। थोड़ा सुनसान रास्ता, बट अभी मैं हूँ डेयरिंग बाहर, मैं सबसे आगे जाऊँगी, जो भी खतरा आएगा उसे नहीं तभी। और अभी रियलाइज होने लगा कि यार अपनी गाड़ी पे आना इज मच बेटर। ये पुलिस स्टेशन का बोर्ड था, आप लोग स्कार्फ भी जरूर कैरी करें, धूप तड़कती भी हो सकती है, भड़कती जैसे इस दिन थी, तो स्कार्फ बड़े काम आएगा। गलत जगह उतार दिया और हम लोग बहुत मुश्किल से पहुंचने वाले हैं। मैं कोई मंदिर आया, आई डोंट नो व्हिच मंदिर इज दिस, बट ये मंदिर तो है, यही मंदिर है शायद जजर कोटली वाला। नीचे पानी होता है, ऊपर पुल होता है, वो पुल तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, वो
साइड पे वो सामने ये वो एक पुल है, ये थोड़ी किरण मिली है हमें, थोड़ी सी किरण, क्या उजाले की किरण, राइट लेना। तो देखो ये 15-20 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, और पानी की बॉटल अभी काम बहुत आई हमारे। ये हरकतें इनकी, ये किसी के भी घर में घुस गए हुए हैं। ये हट्स मिलते हैं यहाँ पे किराए पे, ये यहाँ पे कौन रहेगा? यार क्या रहते हो जैसे आप जाते हैं फोटो खिंचवा, डिपार्टमेंट वाले होंगे ना वो खिंचवा सकते हैं, अलाउड है। वो यहाँ आ गया ना बाइक, और कह रही हूँ इतना पीछे पड़ेगा ना मुंडे लेके यार। देखो जैसे जैसे हमें कोई बताता गया हम चलते गए, और गूगल मैप के सहारे फिर फाइनली थोड़ा करीब पानी दे के खुशी हुई यार। तो हम लोग काफी टाइम से यहाँ पे आने का प्लान बनाते थे मतलब, बट मैं मना कर देती थी। अब फाइनली इतने सालों बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने हाँ कर दी थी, तो मैं बड़ी खुश थी यार, मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और बड़ी खुशी हो रही थी यहाँ पे पहुँच के। बट टफ रहा हमारा सफ़र। मैं बोलना चाहती हूँ सबको कि अगर आप आ रहे हो या तो ग्रुप में जाओ ज़्यादा बेटर रहेगा, या अपनी गाड़ियों पे जाओ वो और ज़्यादा सेफ है। वी एक्चुअली इन्जॉयड यहाँ तक पहुँचना, वो टफ नॉट ईजी, बड़ा ईजी नहीं था, मगर हाँ हमें मज़ा आया। को दिया हुआ खुद आगे आगे मज़े से जा रहे हैं, मेरे को फ़ोन पकड़वा के दिमाग खराब कर रहे हैं। हाँ ब्लॉगिंग वाले खुद आगे आगे भाग रहे हैं, दूसरों को परेशान करके रखा हुआ है। सोचो अगर आपकी ब्लॉगर मैडम इधर डूब जाए। ये जिम्मेदार है तानिया। मैं कोई जिम्मेदार नहीं भाई, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती। सवार ही अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हम लोग ये यहाँ आ गए हैं, हम लोग दिस इज अ वेरी गुड स्पॉट, यहाँ पर हम लोग नहा सकते हैं। इन पानी में फिशेज भी हैं छोटी छोटी सी। देखो पानी में चप्पल रबड़ की पहन के आओ, क्योंकि यहाँ तो चप्पल खोल लो अगर आपको भरोसा है खुद पे कि पाँव में कुछ चुभता नहीं। मुझे चुभता है तो मैं इसलिए रबड़ की चप्पल पहन के आई थी। मैं आती हूँ ना, मैं क्लिप कौन बनाएगा फिर? आ रही हूँ आ रही हूँ। गिरना नहीं, डूबना नहीं। अरे नीचे तक खड़े तो हो जाओ, बैठना नहीं, खड़े तो हो जाओ, दिखाओ तो सही सबको। नहीं दिखाओ तो सही कितना गहरा पानी है, अपनी हाइट के मुताबिक पानी दिखाओ ना। अरे इधर तक, ये नीचे तक, बस मेरे को खींचना नहीं, मेरा फोन कहीं जाएगा। ये भी देखने में फनी लग रहा है, बट सच में बहुत गहरा था वो। ये देखो बोरे, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाना, ये गहरा, उस साइड से जाओ। मुझे लगता है हमें हाथ पकड़ना चाहिए, आप पकड़ो मेरा हाथ, मेरे को अकेले डर लगता है। गाइस हमें ये क्रॉस करना और उधर जाना। रुको रुको गए कैसे? यार तानिया मुझे नहीं लगता इधर से होगा, बोला बोला था ना इधर से नहीं होगा। मजा आ गया, तो डूब गए इधर से, गले जैसे चढ़ ग्राम करके गिरी। गाइस इधर तो पानी ही नहीं है गाइस, ये लो मेरी क्लिप बनाओ, मेरे को डर नहीं लग रहा इधर। अच्छा इधर डर भी नहीं लग रहा। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं, बट बेटर है मतलब फैमिली या ग्रुप में जाओ, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। काफ़ी सारी फैमिलीज आई होती है वहाँ पर वैसे तो। क्या नहाने में मज़ा बड़ा आता है यार, जो मर्जी बोलो। तो ये देखो ये क्या कर रही है, मुझे बाहर भेज के कि हमने ना आगे जाना है नहाने, और खुद यहाँ बना रही है। कर रही है कांशा। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे स्पॉट पर जाने लगे वहाँ से। गाइस लुक एट दिस ब्यूटी, यहाँ पर बैठ कर खाना खाएंगे। तो यार देखो खाना अपना ले आओ, या फिर यहाँ पे मैगी वैगी बनाकर आप खा सकते हो साइड पर, अगर आपको वो दिल हो तो। पानी में बैठ के एंजॉय करके खाओ मजे से वहाँ पर बैठ कर। ठंडी कर लो भाई, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ठंडी कर लो। काफ़ी देर से हम नहा रहे थे तो भूख लगी थी, फिर हमने थोड़े बहुत जो स्नैक्स वगैरह लिए थे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो थी वो पी, और वहाँ पर मज़ा आ रहा था। आप लोग वहाँ पर बैठ के काफ़ी सारी बातें कर सकते हो, मज़े कर सकते हो सही मायने में। तो नहाओ, मज़े करो, खाओ पियो। उसके बाद कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ वॉशरूम्स हैं, बट गंदे हैं थोड़े बहुत,
तो उस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना होगा। तो हम लोग चेंज कर कर आ गए, फिर कुछ क्लिप्स बनाई और फिर वहाँ से वापस रास्ता ले लिया हमने जम्मू की तरफ। तो वैसे आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि अगर आप प्लान बना रहे हो जजकोटली जाने का तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आप फेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना था कुछ तो भूख लगी थी, तो हम लोग डोमिनोज पहुँच के सीधा चाहते हैं। आने जाने में 100 रुपया लगा पर पर्सन, 50 जान 50, फिर भी 400 रुपीज बचते हैं, आप खा सकते हैं जितना चाहें और गाड़ी भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। सो होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।